वेलकम टू द चैनल बैट भाई का ज्ञान। सो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सॉल्व किए थे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2019 पेपर। ओके, सो दोनों पेपर वन और पेपर टू दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 2019 पेपर वन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द डिफाइन, नंबर वन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ नेम सजेस्ट ऑर्गेनिक, सो मतलब इसमें कोई भी सिंथेटिक इनपुट का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हॉर्मोन्स, फीड एडिटिव्स। ओके, और जो फार्मिंग है वो किस पे रिलाय होगी, क्रॉप रोटेशन या एनिमल मैन्यूर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कैपिटलिस्टिक, तो इसमें क्या होगा कि जो फार्मिंग है वो कौन कंट्रोल करेगा, कैपिटलिस्ट। अभी कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये कोई भी बिजनेस पर्सन होता है विच हैव हिज ओन लैंड। ठीक है, सो द कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, इन कैपिटलिस्टिक फार्मिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल इज डन बाय बिग बिजनेस पर्सन। फार्मिंग एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड बाई कैपिटलिस्ट। वेजेज आर पेड टू द लेबरर्स एम्प्लॉयड, इम्प्रूव्ड मैथड ऑफ कल्टिवेशन अडेप्टेड। ठीक है, जैसे प्लांटेशन, प्लांटेशन भी एक तरीके का कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जो फार्मिंग है ये अमेरिका और यूरोप इसमें ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की। फिर आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना सिर्फ डिफाइन में आता है बल्कि ये शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो जैसे कि अभी डिफाइन में है तो इसमें सिर्फ नाम नाम लिखने हैं आपको, जैसे अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कॉन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। तो ये जो छः स्टेप्स है ये एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आप एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, दैट इज एडकास। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नीड। नीड अराइजेज ड्यू टू गैप बिटवीन व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन एंड व्हाट ऑट टू बी द डिजायरेबल सिचुएशन। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि नीड क्या है, नीड कब अराइज होती है, जब कभी भी जो एक्चुअल जो सिचुएशन है और क्या हो सकता है उनके बीच में जो गैप होता है उसको भरने के लिए नीड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो दैट इज नीड। देन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक तरीके का कम्युनिकेशन ही होता है, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है इट मस्ट बी रिलेटेड टू एनी इनोवेशन और एनी आइडिया। ठीक है, ये इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, सो इसका देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। ठीक है, देन ATIC, तो ATIC का क्या फुल फॉर्म है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये एक सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम है जो लिंक करता है डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को विद इंटरमीडियरी यूजर्स एंड एंड यूजर्स जैसे कि फार्मर्स। ठीक है, तो ये ATIC क्या, एक तरीके का लिंकेज सिस्टम है जो किनको जोड़ता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को और फार्मर्स को। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इनका मेन मकसद क्या होता है, ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके फार्मर्स की और प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। ठीक है, देन की कम्युनिकेटर, की कम्युनिकेटर को हम ओपिनियन लीडर्स भी बोलते हैं। तो ये ऐसे पर्सन्स होते हैं किसी भी सोशल सिस्टम के जो एडवाइस देते हैं जनरल टॉपिक्स पे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ओपिनियन को, उनके एटीट्यूड को या उनके नॉलेज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डिज़ायर्ड वे। तो ये कौन होते हैं, की कम्युनिकेटर्स। देन आता है नेक्स्ट सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप क्या है, दे सोशल ग्रुप्स आर यूनिट ऑफ टू और मोर पीपल इन अ सोसाइटी इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, सोसाइटी में दो या दो से ज़्यादा लोग जिनके बीच में रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होता है और आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उनको क्या बोलेंगे, सोशल ग्रुप्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है एम्पैथी। तो यह जो एम्पैथी की जो डेफिनेशन है ये भी बहुत बार पूछी जाती है।
सो ये क्या है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोजेक्ट वन सेल्फ इन टू द रोल माइंड ऑफ अनदर पर्सन टू बी एबल टू नो द फीलिंग्स थिंकिंग एंड एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल है वो ये जान सके कि दूसरे इंडिविजुअल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो वो एबिलिटी को क्या बोलते हैं, एम्पैथी। ओके, देन नेक्स्ट डिफाइन टाइम लैग। टाइम लैग मीन्स जैसे कि कोई भी एक मैसेज है, ठीक है, वो मैसेज को डिलीवर करना है लेकिन वो सही टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द चैनल मीडियम और चैनल। ठीक है, सो जिसकी वजह से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचने में समय लग गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइम लैग। देन नेक्स्ट कमिंग टू द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन आप इससे काफ़ी फैमिलियर होंगे क्योंकि स्कूल्स में काफ़ी एग्जीबिशंस होते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन। तो इसमें होता क्या है, जैसे अगर मैं साइंस एग्जीबिशन का एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या होगा कि जैसे अलग अलग साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या कह सकते हो कि कुछ ना कुछ है ना इनोवेटिव आइडियाज़ को अप्लाई करके स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, टॉपिक सेम रहता है, थीम इज सेम, जैसे साइंस एग्जीबिशन सो रिलेटेड टू द साइंस। ठीक है, तो उसी का क्या होता है, डिस्प्ले होता है और बाकी सारे जो लोग होते हैं वो देखने आते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट इन अ सीक्वेंस अराउंड अ थीम टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन अ कम्युनिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट है अडेप्टिव या मिनी किट ट्रायल। तो इसका मतलब इसका नाम से समझ में आ रहा है, मिनी किट ट्रायल। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी इम्प्रूव्ड या कोई न्यू प्रैक्टिस जो स्मॉल स्केल पर डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके अंडर विलेज कंडीशन। ठीक है, एंड अंडर द बियरिंग एबिलिटीज ऑफ द फार्मर। ठीक है, तो और इट इज़ रिगार्डेड एज ऑन फार्म पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रैक्टिस इन विच फार्मर्स चॉइस एंड ओपिनियन अबाउट प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर एक ट्रायल करके दिखाता है स्मॉल स्केल पे, और ताकि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को, ताकि कोई भी जो फार्मर्स है जो उसमें इंटरेस्टेड हो वो उसको देख सके और अपना ओपिनियन बता सके। ठीक है, देन आते हैं हम इन पे शॉर्ट नोट पे। ठीक है, तो नंबर वन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये कौन से टाइप का एजुकेशन है, इज इट अ फॉर्मल एजुकेशन और अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इट इज हेयर टीचिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द प्रेमिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब टीचिंग कहाँ पे होती है, चार दीवारी में होगी। ठीक है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में टीचिंग इज लार्जली आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में जो लर्नर्स होते हैं वो होमोजिनस होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल की बात करो तो स्कूल में क्या होंगे, सारे जो क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एज ग्रुप भी उनका सेम होगा एक क्लास में। ठीक है, लेकिन अगर वही हम नॉन फॉर्मल की बात करें तो इसमें क्या होगा, लर्नर्स कैसे होंगे, हिट्रोजिनस होंगे और उनके डाइवर्स गोल्स होंगे। ठीक है, और फॉर्मल में स्ट्रिक्ट एडरेंस टू द इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स एंड नो फ्री चॉइस फॉर द लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स के पास कोई फ्री चॉइस नहीं होती और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल में लर्नर्स आर हिट्रोजिनस एंड उनके नॉन फॉर्मल में, यह आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, नॉन फॉर्मल में क्या होगा कि देयर इज फ्री चॉइस अवेलेबल फॉर द लर्नर्स। ठीक है, लर्नर्स के पास चॉइस होती है कि उनको क्या चीज़ सीखनी है क्या नहीं सीखनी, क्योंकि जो उनका ऑक्यूपेशन होगा उनको उसी के रिगार्डिंग कोई भी स्किल सीखनी होगी, सो उनके पास चॉइस अवेलेबल है। ठीक है, फॉर्मल में फिक्स्ड करिकुलम होता है एंड नॉन फॉर्मल में ऐसा कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता। ठीक है, फॉर्मल में जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब टीचर लर्नर को सिखाता है। ठीक है, और टीचर से लर्नर के थ्रू नॉलेज है वो शेयर होता है। इन नॉन फॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड हो सकती है, तो टीचर से लर्नर की तरफ या लर्नर से टीचर की तरफ। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन एडुकेशन. ठीक है, क्या फिलोसॉफी है एक्सटेंशन एडुकेशन की? तो जैसा कि आपको पता है कि एक्सटेंशन एडुकेशन क्या है, इट इज़ आउट ऑफ द स्कूल एडुकेशन फॉर एडल्ट एज वेल एज यंग. ठीक है, एक्सटेंशन इज ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल. देन एक्सटेंशन इज हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ बाय एडुकेशन एंड नॉट मेयरली बाय सर्विस. कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि एक्सटेंशन का काम ये नहीं है कि वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे, नहीं, एक्सटेंशन का ये काम है कि वो लोगों को हेल्प कर सके, कि वो खुद की हेल्प आगे चल के वो खुद की हेल्प खुद कर सके. ओके, मीन्स उन्हें एडुकेट कर सके या उन्हें कोई ऐसी स्किल सिखा सके ताकि वो स्किल उनके आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प करे और उनको किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े. ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सटेंशन इज टीचिंग पीपल व्हाट टू वांट. ठीक है, मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं दे डू नॉट नो कि उनको एक्चुअल में किसकी नीड है. ठीक है, तो उनको ये बताना कि उनको क्या चाहिए, कन्वर्टिंग अनफेल्ट नीड्स इनटू फेल्ट नीड्स एज वेल एज हाउ टू वर्क आउट वेज ऑफ सेटिस्फाइंग दीज वॉन्ट्स एंड इंस्पायरिंग देम टू अचीव देयर डिजायर्स. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन इज टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग. ठीक है, खुद ही करके जब फार्मर जब कोई भी अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका खुद यूज़ करेगा, ठीक है, और उसके फिर अच्छे रिजल्ट्स देखेगा तो फिर उसको जाके विश्वास होगा कि ये टेक्नोलॉजी उसके काम की है. तो एक्सटेंशन यही सिखाता है उसे. ठीक है, एक्सटेंशन इज अ कंटिन्यूस एडुकेशनल प्रोसेस इन विच बोथ लर्नर एंड टीचर कॉन्ट्रीब्यूट एंड रिसीव. ठीक है, इनमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन. अडॉप्शन के डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड लास्ट में अडॉप्शन. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक नई चीज़ सुनी, तो अभी सिर्फ आपने सुना, ओके, सिर्फ आपको पता चला कि ये कोई एक आइडिया आया है मार्केट में, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, लेकिन आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा अवेयरनेस में. यू आर इन द अवेयरनेस स्टेज. इंटरेस्ट में क्या होता है कि अब कोई भी इंडिविजुअल है, अब उसमें उसको इंटरेस्ट आ गया है और वो चाहता है कि मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करूँ. ठीक है, इवेल्युएशन में क्या होगा कि अब जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, अब उसको पता चल गया ये कोई एक नया आइडिया है. ठीक है, अब उसके प्रेजेंट सिचुएशन में वो किस तरीके से वो उस आइडिया को अप्लाई कर सकता है और फ्यूचर में वो क्या इसकी संभावना है कि उसको कितना बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, और इवेल्युएशन स्टेज में ही वो डिसाइड करता है कि क्या उसको ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, देन आता है ट्रायल. तो ट्रायल मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसे स्मॉल स्केल पे उस आइडिया को या प्रैक्टिस को स्मॉल स्केल पे अप्लाई करता है और उसकी परफॉर्मेंस को अपने सिचुएशन में अप्लाई करके समझता है. ठीक है, अडॉप्शन मतलब क्या होता है, इन अडॉप्टेशन स्टेज द इंडिविजुअल डिसाइड्स टू कंटिन्यू द फुल यूज ऑफ द इनोवेशन. ठीक है, जो भी इनोवेशन है उसका पूरी तरीके से उसका यूज करता है. ठीक है, क्योंकि अब इंडिविजुअल को पता चल गया, फार्मर को पता चल गया कि ये जो आइडिया है ये मेरे काम की है. ठीक है, अब उसको क्या करेगा, पूर्ण रूप से उस आइडिया को अप्लाई करेगा. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म. तो ये क्या हो गया, अडेप्शन, अडेप्टेशन प्रोसेस. ठीक है, दिस इज अडेप्शन. यू कैन नोट द स्पेलिंग हियर, इट इज अडेप्शन, ADOPTION, अडेप्शन. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. तो ये तो किस में आता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. मींस डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, एक सेंटर में एक पावर थी, उसको अब जो जो डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, जो उसके नीचे लेवल्स हैं उसमें डिवाइड कर देना ताकि जो लोग हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, तो ये क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम क्या है, एक तरीके का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है. और इसको किसने रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता.
ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसने रिकमेंड किया था. सो इट इज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता. ठीक है, अब ये जो पंचायती राज सिस्टम है, 3-tier स्ट्रक्चर है. कहाँ पे इसे एस्टेब्लिश किया गया? विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, विलेज लेवल को क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत भी कहते हैं. इसमें जो चेयरमैन होता है उसका, उसको सरपंच कहते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होता है. ठीक है, सबसे ग्रास रूट लेवल क्या है? ग्राम पंचायत. इसके बाद आता है पंचायत यूनियन या पंचायत समिति, ये इंटरमीडिएट लेवल पर होता है. देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. तो अब इसके आगे बात करते हैं. इलेक्शन टू द पंचायत आर टू बी कंडक्टेड रेगुलरली अंडर द सुपरविजन ऑफ द पंचायती राज इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, रेगुलरली जो इलेक्शंस जो होते हैं वो किए जाते हैं, और जो इनको सुपरवाइज कौन करता है? पंचायती राज इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, और ऐसा भी होता है कि अगर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहाँ पे जो मिडल टायर जो है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, मिडल टायर मतलब पंचायत यूनियन या पंचायत समिति. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉचडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन. सो इसमें टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं. वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न फॉर कम्युनिटी. तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि इट इज़ ओपन टू ऑल पर्संस एबल टू यूज़ देयर सर्विसेज. मतलब कोई भी कॉपरेटिव होता है उस, वो सारे पर्संस के लिए ओपन होना चाहिए, मतलब कोई भी उनके सर्विसेज यूज़ कर सकता है. डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल मीन्स कॉपरेटिव्स आर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाई देयर मेंबर्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेटिंग देयर पॉलिसीज एंड मेकिंग डिसीजंस. तो मतलब जो कॉपरेटिव्स जो होते हैं शुड बी डेमोक्रेटिक, मीन्स उन्हीं के मेंबर्स उन्हें कंट्रोल करें और पार्टिसिपेट भी करें पॉलिसीज को बनाने में या कोई भी डिसीजन को लेने में. ठीक है, देन मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब जो कैपिटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसमें भी जो मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल कर सके, उसको पार्टिसिपेट कर सके. ठीक है, देन है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. तो इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव्स आर ऑटोनॉमस सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल बाई देयर मेंबर्स. ठीक है, मेंबर्स ही उसको कंट्रोल करेंगे. देन एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन. कोऑपरेटिव प्रोवाइड एडुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर देयर मेंबर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सो दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट. तो मतलब कि जो कोऑपरेटिव्स, उनको ट्रेनिंग देना, एडुकेशन देना, क्यों? ताकि वो क्या कर सके, वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके. ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके. ठीक है, देन कंसर्न फॉर कम्युनिटी. तो कोऑपरेटिव्स वर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटीज थ्रू पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय मेंबर्स. ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे जो जो रॉचडेल ने दिए थे, रॉचडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन. देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन वर्सेस मेथड डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है. तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक तरीके से ये ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि टू प्रूव द वैल्यू ऑफ अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस इन द लोकल फार्म इज द मेन पर्पस. तो कोई भी एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है उसकी वैल्यू को बताना, मतलब वो कितना एफिशिएंट है, वो ये काम होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का. ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मेथड बताना, कोई भी नई स्किल को सिखाना. ठीक है, या कोई ओल्ड स्किल हो उसको एक इम्प्रूव्ड तरीके से करना सिखाना. तो ये किस में आता है? मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में. रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में जो फार्मर्स है वही डेमोन्स्ट्रेट करता है, और डेमोन्स्ट्रेशन किसके अंडर होता है? इन द गाइडेंस ऑफ एक्सटेंशन वर्कर. ठीक है, और जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो एक्सटेंशन वर्कर या कोई ट्रेन्ड लोकल लीडर ही परफॉर्म करता है. ठीक है, देन जो फार्मर है वो कंडक्ट करता है डेमोन्स्ट्रेशन, और एंड अदर फार्मर्स हु विजिट द डेमोन्स्ट्रेशन फार्म मे बी बेनिफिटेड. तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि
अब इसमें जो हाईली जो कह सकते हैं एडवांस जो फार्मर है वो परफॉर्म करेगा तो उसका भी बेनिफिट होता है, प्लस जो दूसरे फार्मर्स जो देखने आए हैं कि उसको उस फार्मर को किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है तो उनका भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन में भी बेनिफिटेड। ठीक है, अब जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। और ये अगर बात करें हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की, तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में कॉस्ट इज रिलेटिवली लेस एज वेल एज ड्यूरेशन इज शॉर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट फार्म पब्लिकेशंस। अभी जो फार्म पब्लिकेशंस है ये किसके एग्जाम्पल्स है, सारे ये एग्जाम्पल्स है मास कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो अगर इसके हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जैसे लीफलेट हुआ, फोल्डर, पैम्पलेट, बुलेटिन, बुकलेट, न्यूज़लेटर, पीरियडिकल्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, तो ये सारे फार्म पब्लिकेशंस के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम बात करते हैं लीफलेट की, तो लीफलेट क्या होता है, सिंगल प्रिंटेड शीट, नो प्रिंटिंग ऑन बैक साइड, प्रीलिमिनरी रिलेटेड टू वन टॉपिक इन अ कंसाइज मैनर एंड सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, एक ही पेज होता है, सिर्फ फ्रंट साइज प्रिंटिंग होती है। ठीक है, बैक साइड ब्लैंक होता है, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाती है ना, वेरी कंसाइज मैनर एंड सिंपल लैंग्वेज। देन फोल्डर, फोल्डर जैसे नाम से पता चल रहा है फोल्डेड, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तो होता तो सिंगल पेपर है, सिंगल प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर, थोड़ा बड़े साइज का होता है। ठीक है, और इसको फोल्ड किया जाता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, देन आता है पैम्पलेट। तो पैम्पलेट जो है ये स्मॉल अनबाउंड बुक होती है, मे कंटेन एंड डील विद नंबर ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स, जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो इसमें होंगे, अनबाउंड बुक होती है। ठीक है, फिर आता है बुलेटिन और बुकलेट। अब एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि जो बुलेटिन है और बुकलेट है दोनों में ए टू जेड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वॉशिंग मशीन लिया तो जो वॉशिंग मशीन है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से यूज़ करना है और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल है, तो उस वॉशिंग मशीन के बारे में सब कुछ इसमें रहता है, एक बुलेटिन में होगा। तो वो तो क्या होता है, वो बुलेटिन होता है। अब बुलेटिन और बुकलेट में फ़र्क ये होता है कि जो बुलेटिन है उसमें जो पेजेस है वो कितने होंगे, 12 से 20 पन्नों के अंदर होता है। ठीक है, और बुकलेट है वो 20 से ज़्यादा पेजेस होते हैं बुकलेट में। ठीक है, इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। फिर आता है न्यूज़लेटर। ठीक है, ऐसे ही होगा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर तो क्या होता है कि वो पीरियडिकली आता है, जैसे हर दिन आएगा या वीकली में आएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर, और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूज़लेटर क्या होता है, एक तरीके से मिनिएचर न्यूज़पेपर होता है और इसकी जो पेपर की क्वालिटी होती है गुड होती है। ठीक है, गुड क्वालिटी पेपर। पीरियडिकल्स क्या होते हैं, ये फिक्स्ड ड्यूरेशन पे आते हैं। ठीक है, फिर जर्नल्स एंड मैगजीन्स, ये कंटेन दे कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, ये सारी बात हो गई किसके बारे में, फार्म पब्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन फ्लड, या आप इसको क्या बोल सकते हो, वाइट रिवॉल्यूशन। तो टोटल तीन स्टेजेस थी, कब शुरू हुई 1970 में, कब खत्म हुई 1996 में। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन को तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे फेज वन कब शुरू हुआ था 1970 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मतलब डेयरी कोऑपरेटिव्स को सेट करना, सेटिंग अप डेयरी कोऑपरेटिव्स इन 18 मिल्क शेड इन 10 स्टेट्स, और उसको कनेक्ट करना 4 बेस्ट मेट्रोपोलियन मार्केट से। ये कब खत्म हुआ, 1981 में। ठीक है, फेज टू क्या है कि ये फेज वन के डिजाइन पे बेस्ड है, बस ये इसका ऐसा था मोटिव कि डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो कहाँ पे आ जाए, कर्नाटका, राजस्थान और एमपी में भी। ठीक है, और 1985 के एंड तक क्या हो गया कि इंडिया में 136 मिल्क शेड्स खुल गए और विलेज डेयरी कोऑपरेटिव रीच्ड 34,500 विद 36 लाख मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो इनका जो एरिया था वो काफ़ी बढ़ गया डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। ठीक है, या आप बोल सकते हो डेयरी कोऑपरेटिव्स का। फिर फेज थ्री में, द फाइनल फेज ऑफ द प्रोग्राम emphasize to improve the productivity and efficiency of the dairy sectors for long-term sustainability. By end of phase 3, ended in 1996, there was 73,300 dairy cooperatives and over 9.4 million farmer members. ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बढ़ा।
तो इसलिए इसको क्या बोला गया, वाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसी की वजह से फिर जो हमारा इंडिया था वो मिल्क डेफिसिट कंट्री से क्या बन गया, मिल्क सरप्लस कंट्री, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री। सो ये थे सारे शॉर्ट नोट्स, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चॉइस आर अवेलेबल, ठीक है, पेपर में चॉइस होती है, तो ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, कितने अटेम्प्ट करना है उतने ही अटेम्प्ट करना, कितने पेजेस में करना है, बिकॉज आपको जो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें साथ ही में आपको ब्लैंक स्पेसेस दी रहती है, ठीक है, तो आपको उसी के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, राइट इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, सबको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशंस इन वेज दैट ईच गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ द मैसेज। कम्युनिकेशन जो वर्ड है ना, वो कम्युनिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कॉमननेस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, देयर इज शेयरिंग, ठीक है, ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, ये लिगेंस ने दी थी। देन अब हमसे क्या पूछा था, डिफरेंट एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के बारे में बताओ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ के बेसिस पे देखें तो थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड या मास कॉन्टैक्ट मेथड। तो उसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड में, अब इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं वो देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड वो देखेंगे। तो फार्म एंड होम विजिट, तो उसमें क्या होता है, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो फार्मर्स के घर पर जाता है, ठीक है, और उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, उनके प्रॉब्लम्स को देखता है, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कैटल शेड इम्प्रूवमेंट, तो एक्सटेंशन वर्कर फार्मर्स के शेड में गया, फार्मर्स के घर पे गया, वहाँ जो कैटल शेड है वो उसने देखा और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो उसने सजेस्ट किया। तो ये क्या हुआ, फार्म एंड होम विजिट, ठीक है। फिर आता है फार्मर्स कॉल और ऑफिस कॉल, तो उसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो फार्मर्स कॉल और ऑफिस कॉल में क्या होता है कि जो फार्मर है वो कॉल करता है एक्सटेंशन वर्कर को, ठीक है, फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन और गेटिंग असिस्टेंस, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग ऑफ पोल्ट्री फार्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल शेड, तो उससे रिलेटेड जानकारी के लिए जो फार्मर है वो फार्मर कॉल करेगा एक्सटेंशन वर्कर को। फिर आता है पर्सनल लेटर्स, अब ये जो पर्सनल लेटर है ये कौन भेजेगा, एक्सटेंशन वर्कर किसको, फार्मर को, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जैसे टू इन्फॉर्म अबाउट वैक्सीनेशन टाइम एंड डेट, तो ये सारे किसके थे, ये सारे टाइप्स जो हम अभी हमने पढ़े ये थे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के। अब आता है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, तो उसके एग्जांपल है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, जो मैं इसकी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुप मीटिंग, तो ग्रुप मीटिंग में क्या होगा, ग्रुप में मीटिंग होगी, ठीक है, नॉर्मल डिस्कशंस होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है ना, उसमें जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप जनरली 15 से 25 एक आइडियल ग्रुप माना जाता है, 15 से 25 मेंबर्स का, ठीक है, और 50 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। फिर आता है स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, तो कोई एक पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक स्किल सिखानी हो तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंटरेस्टेड है वो सीख सकते हैं। देन फील्ड डे और फार्मर्स डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट सॉरी इसमें डिफाइन भी आ जाता है इस पर। तो फील्ड डे ऑफ फार्मर्स डे पे क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल टू अडेप्ट अ न्यू प्रैक्टिस बाय शोइंग दैट शोइंग व्हाट हैज एक्चुअली बीन अचीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रैक्टिस अंडर फील्ड कंडीशन, ठीक है। तो मतलब जो पीपल को मोटिवेट करना या ताकि वो कोई भी एक न्यू प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सके, और कैसे अडॉप्ट करेंगे तो उनको वो पहले अप्लाई करेंगे अपने फील्ड कंडीशंस पे और फिर वो रिजल्ट देखेंगे। सो इट इज़ परफॉर्म्ड एट रिसर्च स्टेशन और इन फार्मर्स फील्ड, इसलिए इसको फील्ड डे या फार्मर्स डे कहा जाता है। फिर स्टडी ट्यूर या एक्सपोजर ट्यूर, तो इसमें यह है कि जो काफ़ी अच्छे जो फार्म्स चल रहे हैं वो तो उसकी विजिट कराएंगे एक्सटेंशन वर्कर जो है, बाकी जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लेके जाएंगे अलग अलग जो फार्म्स हैं जो काफ़ी एडवांस हैं उधर, ठीक है। फिर आता है मास कॉन्टैक्ट मेथड्स, तो मास कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि जो एक्सटेंशन वर्कर वो हिट्रोजीनियस मास से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है विदाउट कंसिडरिंग द इंडिविजुअल और ग्रुप आइडेंटिटी, मतलब उसको कुछ नहीं पता कौन किसका नाम क्या है, कौन किधर से आया है, कुछ नहीं मालूम है,
बस वो अपनी बात को पहुंचाएगा इन अ हिट्रोजिनस मास। ठीक है, अब वही फार्म पब्लिकेशंस है, ये भी एग्जांपल है मास कांटेक्ट मेथड का। तो ये जो हम सारे पढ़ चुके हैं, लीफलेट, फोल्डर, पैम्पलेट, बुलेटिन, ठीक है, न्यूज़लेटर, जर्नल, मैगजीन, सर्कुलर लेटर, एडवाइजरी लेटर, ठीक है, मास, ये सारे थे उसके। फिर आता है मास मीटिंग। तो मास मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग होगी इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट एक्सटेंशन मेथड थ्रू विच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज पास टू द ऑडियंस। ठीक है, फिर आता है कैंपेन। कैंपेन एक तरीके से एजुकेशनल एक्टिविटी होती है ताकि लोगों को मोटिवेट या मोबिलाइज कर सके इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। फिर न्यूज़पेपर भी आपको पता है, रेडियो, टेलीविजन। तो ये सारे क्या मास कॉन्टैक्ट मेथड के ये सारे टाइप्स हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोग्राम प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग क्या है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, तो थोड़ा जल्दी कवर करते हैं हम। प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है, इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम, इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट वन, गिविंग नेसेसरी प्रायोरिटी बेस्ड अपॉन लोकल नीड्स एंड रिसोर्सेज बाय कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ द पीपल बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल विद अ व्यू टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल कम्युनिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है प्रोग्राम प्लानिंग एक तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ताकि एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अल्टरनेटिव को ढूंढा जा सके, कोई जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसका उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद ताकि उसको सेलेक्ट करने पर क्या होगा, लोगों के जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व होगी। ठीक है, और बोथ ऑफिशियल एफर्ट्स ऑफ द पीपल इसमें इन्वॉल्व होता है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। ठीक है, ताकि एट लास्ट क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिटी का ग्रोथ हो सके। तो ये मकसद होता है प्रोग्राम प्लानिंग का। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, सिचुएशन को एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, एक ऑब्जेक्टिव बनाना, एक गोल बनाना। ठीक है, और किस तरीके से काम होगा, ठीक है, उसका पूरा प्लान तैयार करना, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कब कौन सा काम होगा उसके हिसाब से चलना, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस, मतलब कहाँ तक जो ऑब्जेक्टिव हो कहाँ तक पूरा हुआ है, रिकंसिडरेशन एंड रिविजन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो वापस से कंसिडर करना कि जो हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था वैसा सब, मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए था वही रिजल्ट हमें मिला या कुछ चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट इन द अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस। हाई कॉस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट फीड, फीड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर किसी पे भी अगर टेक्नोलॉजी का रोल है तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा ही। ठीक है, और ड्राई फॉर्डर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ग्रीन फॉर्डर हुआ उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट फीड, ये भी एक होता है फैक्टर। देन लो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फॉर्डर, लो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राई फॉर्डर, डिस्टेंट लोकेशन ऑफ वेटनरी डिस्पेंसरी फॉर ट्रीटमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ वेटनरी एड एंड सर्विस, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इन द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली लेबर। ठीक है, पुअर कंसेप्शन रेट थ्रू AI, हाई इंसिडेंस ऑफ रिपीट ब्रीडिंग इन क्रॉस ब्रीड काउस, इनएडिक्वेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, नॉन रिनमरेटिव प्राइस ऑफर्ड फॉर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जो इनकम होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो इनकम नहीं मिल पाती, मीन साथ में बोनस भी मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से ये प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे उधार, फार्मर्स को उधार टाइम पर नहीं मिलता। ठीक है, तो देन लैक ऑफ नॉलेज अबाउट साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, और इन सब का कारण यही होता है कि जो नॉलेज होती है ना वो इनएडुकेट होती है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑन साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। ठीक है, एजुकेशन की कमी या कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसकी कमी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्स्ट्रेंट होते हैं जो किसी भी एक इम्प्रूव्ड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस के अडॉप्शन में क्या कॉज करते हैं, दिक्कत कॉज करते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, तो फार्मर्स उसको तुरंत नहीं अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बीच में आते हैं, तो उनको ये सब देखना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई भी कोई इनोवेशन आता है तो जो इनोवेटर्स होते हैं वो उसको इस तरीके से लाते हैं मार्केट में, ताकि उससे जो नॉर्मल जो लोग हैं वो उसको अडॉप्ट कर सके, उस सिचुएशन में वो बेस्ट सूटेड हो। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर 2019 का। सो स्टे ट्यून्ड विद बेड भाई का ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।